किसानों की समस्याओं, नहरों की सफाई को लेकर प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं ने किया डीएम ऑफिस का पर प्रदर्शन। पूर्व मंत्री नारद राय की अगुवाई में डीएम को सौंपा पत्र। सिंचाई विभाग के अफसरों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पूर्व मंत्री व समर्थकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर जिलाधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाए। खबर बलिया से है, जहां किसानों की समस्या और नहरों की सफाई की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री नारद राय के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी अदिति सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के चलते मार्च माह में हुए टेंडर के बावजूद अभी तक जिले में नहरों की सफाई नहीं हुई है। सपा नेताओं ने कहा कि बलिया में सिंचाई विभाग के अफसर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिला प्रशासन किसानों की समस्याओं को लेकर बेपरवाह बना हुआ है। सपा नेताओं ने नहरों की सफाई और तराई वाले क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या के तत्काल समाधान की मांग की है। इस दौरान सपा नेताओं ने समस्याओं का समाधान न होने पर 15 जून से सिंचाई विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग का घेराव करने का अल्टीमेटम दे दिया। इस वीडियो में सुने नारद राय पूर्व मंत्री और संग्राम सिंह पूर्व विधायक ने इस अवसर पर क्या कहा। जनमंच खबर के लिए बलिया से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। पत्रकार साथियों, सबसे पहले आपको बधाई, आप लोगों ने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है। आज हम लोग विशेष तौर से महीनों पहले माननीय नारद राय जी ने ओहा के पानी निकासी के लिए हजारों ट्रैक्टर के साथ आकर के तत्कालीन जिलाधिकारी को अवगत कराया था। पानी में पूरा बोहा डूबा हुआ था, किसानों का खेत डूबा हुआ था। उस समय के जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग और सभी संबंधित अधिकारियों को बुला करके निर्देश देने का काम किया था। उस समय योजना बनी थी पानी निकासी का काम किया गया, लेकिन योजना जो बृहद रूप से बनी थी, जिसको लागू करना था, लेकिन आज तक जैसा कहा गया कि पूरे जनपद के ड्रेनों की सफाई का टेंडर निकल गया। और दुर्भाग्य है इस जनपद का कि जब बारिश शुरू हो जाती है, कटान शुरू हो जाती है, जब नालों में पानी भर जाता है, तब हमारी सफाई का काम शुरू होता है, ताकि केवल एक आध घोड़ा चला करके पानी में सब कुछ बहवा दिया जाए, बोल्डर बहवा दिया जाए, बोरियां बहवा दी जाए और पैसा निकाल लिया जाए। इसलिए आज तक बलिया में निश्चित रूप से केवल लूट करने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने किया है। इसके विरोध में हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे, जो ज्ञापन उनके प्रतिनिधि ने हम लोगों से लिया है। अभी जो हमारे नेता माननीय नारद राय ने आह्वान किया है, अगर 14 तारीख तक काम शुरू नहीं हुआ उन ड्रेनों पर, तो हम लोग समाजवादी पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और उन जो संबंधित अधिकारी हैं उनका घेराव किया जाएगा। एक बात और, टेंडर किया हमारे यहाँ के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बलिया जनपद में, हमारी विधानसभा में भरौली में केवल 7 किलोमीटर ड्रेन है और 14 किलोमीटर का टेंडर हो गया है। लगता गाजीपुर का भी काम इन्हीं के जिम्मे है, का बलिया जनपद और गाजीपुर दोनों का चार्ज इनके पास है। लूटने के लिए इन्होंने 7 किलोमीटर की जगह 14 किलोमीटर का टेंडर करा दिया है। मार्च को ये टेंडर हुआ है और करोड़ों रुपये का टेंडर है पूरे जनपद में, और एक भी ड्रेन पर आज तक के समय में हम लोगों ने पता किया एक भी ड्रेन पर काम शुरू नहीं। बीच में हमारे नेता पूर्व विधायक आदरणीय संग्राम सिंह जी ने आज जिलाधिकारी के कार्यालय पर पत्रक देने का कारण बताया है। यह बिल्कुल सही है कि बलिया के सिंचाई विभाग, ड्रेनेज विभाग और बाढ़ विभाग आज की तारीख में भ्रष्टाचार का अड्डा बना है और लूट का अड्डा बना है। जिलाधिकारी से बार बार कहने के बाद भी किसी सवाल पर गंभीर नहीं हो रही है, यह साबित करता है कि बलिया के भ्रष्टाचार में, लूट में जिलाधिकारी भी शामिल है और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, क्योंकि जो टेंडर 17 मार्च को हुआ वह आज 8 जून हो गया, एक फौड़ा क्यों नहीं चला, यह आपके और हमारे लिए शोचनीय विषय है। इसका सीधे सीधे कारण है कि जैसा विधायक जी ने बताया, जैसे ही बरसात होगी कटहर नाला का सफाई हो जाएगा, बरना ड्रेन का हो जाएगा, जमुना ड्रेन का हो जाएगा, भरौली ड्रेन का हो जाएगा। ये 11 जो ड्रेने हैं और सैकड़ों किलोमीटर नहर है, उस नहर की भी सफाई माननीय विधायक, माननीय चेयरमैन साहब कागज पकड़ के करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ ये ठेकेदार हैं, जो यहाँ के मंत्री विधायक हैं, यहाँ के अधिकारियों से मिलकर लूटने के लिए यह साजिश बलिया के साथ हुआ है, जिसको समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं होने देगी। दूध का दूध पानी पानी करेंगे और 15 तारीख को सिंचाई विभाग बाढ़ का घेराव करेंगे। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।